रुपए दे लगातार डिगन का असर वाघा सरहद से पाकिस्तान अते भारत विचकार हो रहे व्यापार से भी पैण का शक प्रगटाया जा रहा है। व्यापारियों मुताबक वाघा सरहद राही दरामद होने वाली वस्तों में 35% तक गिरावट हो सकती है। दरअसल इस राही वड्डी गिनती में भारतीय व्यापारी सीमेंट जिप्सम कैमिकल्स अते खजूर की दरामद करते हैं। CII के अमृतसर विंग के प्रधान राजदीप उपल मुताबक आने वाले दिनों में पाकिस्तान तो दरामद होने वाली वस्तों में गिरावट देखने को मिल सकती है। अजिहे व्यापारियों ने सरकार के नाल ही RBI भी गुजारिश की है कि जल्दी तो जल्दी जरूरी कदम चुके जा। डॉलर का जो रेट का पैरिटी चेंज हुई है, ये पिछले 60 दिन में करीबन करीबन 15 से 20% का फ़र्क पड़ गया पैरिटी के अंदर, जिसकी वजह से लोगों को जितने भी इम्पोर्टर्स हैं उनकी कॉस्टिंग का जो मैकेनिज़म है वो बिल्कुल ही आउट हो गया है। और हम देख रहे हैं कि काफ़ी वॉल्यूम्स जो हैं इस वक्त वो बहुत पहले से एवरेज, अगर हम पिछले 2 महीने की एवरेज लगाएं तो काफ़ी कम हो गए हैं। सीमेंट के अंदर भी, केमिकल्स के अंदर भी, और जो कमोडिटीज़ पाकिस्तान से आती हैं उसके अंदर काफ़ी गिरावट आई है। तो वी एक्सपेक्ट के जो कस्टम अथॉरिटीज़ हैं वो कोऑपरेट करेंगी इंपोर्टर्स के साथ कि जब प्राइसिंग्स रिवाइज़ होंगी तो वो, हमें पूरी उम्मीद है कि वो इंपोर्टर के साथ कोऑपरेट करेंगी ताकि इस वॉल्यूम को दोबारा हम पुराने लेवल पर लेके चले जाएँ। जो ये डॉलर आज ऑलमोस्ट 64 का मार्क टच कर गया है जी, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है और मतलब बहुत मेजर इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट्स में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एंड प्रॉब्लम बेसिकली इज़ नॉट दैट इट इज़ 60 or 62 or 64, प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि कहीं पे भी डॉलर जाके स्टेबलाइज नहीं हो रहा। सो किसी भी स्टेज पे जहाँ पे डील क्लोज करना चाह रहा है इम्पोर्टर वो मार्क ब्रीच कर जाता है और इस वजह से बहुत इंस्टेबिलिटी हुई हुई है। एंड वी आर होपफुल कि सरकार और RBI विल टेक सम स्टर्न मेजर्स, एंड आई डू अंडरस्टैंड के टू ब्रिंग इट बैक टू अ लेवल फ़र्क पड़ेगा, बट हमारी यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि इसको किसी स्टेज पे स्टेबलाइज किया जाए। खबरां दी दुनिया विच आओ, साडे नाल कदी भी ते कितों भी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, असीं दिखांगे यूट्यूब ते, सानूं फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।